अपेरेंटली इस पे लगता है कि इस पे जो की साइज है वो 112 बिट्स हैं, और इस वजह से इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। लाइक जो इसमें पहले की स्पेस थी वो 56 बिट्स थी, लेकिन डबल डीएस अप्लाई करने से इस पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो 112 बिट की स्पेस के साथ होना चाहिए। दिस वॉज अजम्पशन। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर डीएस, फॉर ऑल 56 बिट की वैल्यूज दैट गिवन एनी टू कीज K1 एंड K2, इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड अ की K3 सच दैट। तो अगर हम ब्लॉक साइफर के ऊपर ये जो की वन है और की टू को इसको अप्लाई करें, और हम सपोज करें वी हैव अ की थ्री, तो इसका मतलब है कि जो डबल इंक्रिप्शन है या फिर इसके अलावा एनी नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ मल्टीपल इंक्रिप्शन विथ डीएस वुड बी यूजलेस, बिकॉज द रिजल्ट वुड बी इक्वलेंट टू अ सिंगल इंक्रिप्शन विद अ सिंगल 56 बिट की। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो की वन अप्लाई हुई है प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, फिर उसके बाद की टू अप्लाई हुई है, तो इसका जो रिजल्ट है वो की थ्री हो सकता है। चाहे हम इस पे जितनी मर्जी लाइक K1, K2, K3, K4, ऑल दीज कीज वुड बी इक्वलेंट टू की एन, या इसे हम एक की प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि जो डी एस है वो मैप कर रही है 64 बिट ब्लॉक्स को टू 64 बिट ब्लॉक्स के साथ, तो मैपिंग को हम जो है परमोटेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं कि जितनी भी 2^64 पॉसिबल इनपुट ब्लॉक्स हैं, तो डीएस इंक्रिप्शन जो है जिसमें एक स्पेसिफिक की है, हर ब्लॉक को एक 64 बिट ब्लॉक के अंदर मैप कर देगी। अगर हमारे पास टू इनपुट ब्लॉक्स हैं और वो मैप होते हैं सेम आउटपुट ब्लॉक के ऊपर, तो फिर उसकी जो डिक्रिप्शन है टू द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट दैट वुड बी इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल विथ 2^64 पॉसिबल इनपुट्स हाउ मैनी डिफरेंट मैपिंग आर देयर दैट जनरेट अ परमोटेशन ऑफ द इनपुट ब्लॉक्स। तो इस वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं 2^64 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 10^10, अगेन 10^20। लेकिन डीएस क्या करता है, वो वन मैपिंग करता है फॉर ईच डिफरेंट की, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स हो सकती हैं वो 2^56 इज दैट इज लेस देन 10^17। देयरफॉर इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट इफ डीएस इज यूज ट्वाइस विद डिफरेंट कीज इट विल प्रोड्यूस वन ऑफ द मैनी मैपिंग्स दैट आर नॉट डिफाइंड बाई अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ डी एस। तो इस ये जो अजम्पशन थी ये 1992 तक स्टैंड करती थी, और उसके बाद ये अजम्पशन जो है वो प्रूव हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीट इन द मिडल अटैक, MITM। इसको नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक भी कहते हैं,
दिस इज अ जेनेरिक स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ क्रिप्टोग्राफिक अटैक अगेंस्ट इंक्रिप्शन स्कीम्स दैट रिलाई ऑन परफॉर्मिंग मल्टीपल इंक्रिप्शन ऑपरेशन इन सीक्वेंस। जिस तरह हमने ये डबल डीएस को देखा, तो ऐसी कोई भी जो साइफर्स हैं दोज आर अप्लाइड ऑन स्टेजेस एंड साइफर टेक्निक इज अप्लाइड इन मल्टीपल टाइम्स, तो वहाँ पे मीट इन द मिडल अटैक जो है, जिसको नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक भी कहते हैं, वो पॉसिबल है। मीट इन द मिडल अटैक जो है, यही रीज़न थी जिसके वजह से डबल डीएस जो है वो अब यूज़ नहीं होता, और इसी वजह से अब जो ट्रिपल डीएस की 168 बिट की जो है, उसको ब्रूट फोर्स किया जा सकता है बाय एन अटैकर विद 2^56 स्पेस एंड 2^112 ऑपरेशन। तो जब ये हो रहा था कि एक ब्लॉक साइफर को उसकी जो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ही ब्लॉक टेक्स्ट को डिफरेंट टाइम नंबर ऑफ टाइम्स इनक्रिप्ट किया जाए, तो अजम्पशन ये थी कि इट विल डबल्स आर इवन एंड टपल्स द सिक्योरिटी ऑफ द मल्टीपल इनक्रिप्शन स्कीम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज इनक्रिप्टेड। Because an exhaustive search on all possible combination of keys, simple brute force attack would take 2^n-minus key attempts if the data is encrypted with k bits, keys and n times. तो जो MITM है, ये एक generic attack है that weakens the security benefits of using multiple encryption by storing intermediate values from the encryption or decryptions and using those to improve the time required to brute force the decryption keys. तो इस वजह से जो meet in the middle attack है, ये एक generic space time trade off cryptographic attack है। जो MITM है, इट अटैक्स अटेम्प्ट्स टू फाइंड द कीज बाय यूजिंग बोथ द रेंज साइफर टेक्स्ट एंड डोमेन प्लेन टेक्स्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शंस आर ब्लॉक साइफर सच दैट द फॉरवर्ड मैपिंग थ्रू द फर्स्ट फंक्शन इज द सेम एज द बैकवर्ड मैपिंग इनवर्स इमेज थ्रू द लास्ट फंक्शंस quite literally meeting in the middle of the composed function. तो for example हम देखते हैं कि double DS encryption जो है, जो encrypt करती है data को with two different 56 bit keys के साथ, तो double DS को जो है decrypt किया जा सकता है with 2^57 encryption and decryption operations. The multi-dimensional MITM uses a combination of several simultaneous MITM attacks. तो एक तो सिंपल MITM अटैक है, एक multi-dimensional MIT अटैक है, तो उसमें जो meeting that would happen in multiple position in the composed function. Defy and Hellman first propose the meet in the middle attack on hypothetical expansion of a block cipher in 1977. Their attack used a space-time trade-off to break the double encryption scheme in only twice the time needed to break the single encryption scheme. So 2011 mein Bose Hu aur Gong Gong ne investigate kiya multi-dimensional meet in the middle attack ko और प्रेजेंट किया कि अटैक ऑन द ब्लॉक साइफर लाइक गोस्ट कैटेंटन और ह्यूमिंग बर्ड टू। तो ये एक इलस्ट्रेशन है वन डायमेंशनल मीट इन द मिडल अटैक, जिसमें
जो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर भी अटैक किया जाता है और साइफर टेक्स्ट के ऊपर भी, और इन द मिडल वी कैन प्रोड्यूस द की एंड द प्लेन टेक्स्ट। द यूज ऑफ डबल डीएस रिजल्ट इन मैपिंग दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डीएस इंक्रिप्शन, बट देर इज अ वे टू अटैक दिस स्कीम, वन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ डीएस बट दैट विल वर्क अगेंस्ट एनी ब्लॉक इंक्रिप्शन साइफर। तो ये जो MITM है, ये ना सिर्फ डीएस के ऊपर बल्कि किसी भी जो ब्लॉक साइफर है उसके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके को जो है मीट इन द मिडल अटैक कहा जाता है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो साइफर टेक्स्ट है उसमें प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की वन अप्लाई की जाती है, और फिर उसके बाद जो ये टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर की टू प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट आता है, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो हमारे पास ये मिडल टेक्स्ट आता है, दैट इज इंक्रिप्शन ऑफ के वन ऑन प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्रिप्शन ऑफ साइफर टेक्स्ट यूजिंग की टू। तो ये दोनों इक्वलेंट है। दिस वाज ऑब्जर्वेशन व्हिच इज बेसिस ऑफ द मीट इन द मिडल अटैक, कि जो मिडल टेक्स्ट है जिस पे की वन अप्लाई होती है ये इक्वलेंट टू डिक्रिप्शन ऑफ की टू है ऑन द साइफर टेक्स्ट। तो मीट इन द मिडल अटैक में हमारे पास क्या होता है कि द यूज ऑफ डबल डीएस रिजल्ट इन मैपिंग दैट इज नॉट इक्वल टू अ सिंगल डीएस इंक्रिप्शन। द मीट इन द मिडल अटैक एल्गोरिदम विल अटैक दिस स्कीम एंड डस नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ डीएस बट विल वर्क अगेंस्ट एनी ब्लॉक इंक्रिप्शन साइफर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन अ नोन पेयर पी एंड सी, तो उस पे जो मीट इन द मिडल अटैक जो प्रोसीड होगा वो ऐसे होगा, फर्स्ट इंक्रिप्ट पी फॉर ऑल 256 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ की वन, स्टोर 2^56 पॉसिबल वैल्यूज, ऑफ की वन स्टोर दीज रिजल्ट इन अ टेबल एंड देन सॉर्ट द टेबल बाई द वैल्यूज ऑफ एक्स। नेक्स्ट डिक्रिप्ट सी यूजिंग ऑल 2^56 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ की टू एज डिक्रिप्शन इज प्रोड्यूस, चेक द रिजल्ट अगेंस्ट द टेबल फॉर अ मैच। इफ मैच अकर्स then test two resulting keys against a new known plain text cipher text pair. If the two keys produce the correct cipher text, accept them as the correct key. For any given plain text P, there are 2^64 possible cipher text values that could be produced by double DS. Double DS uses in effect a 112 bit key so that there are 2^112 possible keys. Therefore, for a given plain text P, the maximum number of different 112 bit key that could produce a given cipher text C is a 2^112 divided by 264, because this is the combinations of plain text. तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो कीज रह जाएंगी दोज आर 2^48। अ सिमिलर आर्गुमेंट इंडिकेट्स दैट विद एन एडिशनल 64 बिट ऑफ नॉन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट द फॉल्स अलार्म रेट इज रिड्यूस टू 2^48 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 2^-16।
अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि अगर हमारे पास किसी दो ब्लॉक के ऊपर हम मीट इन द मिडल अटैक परफॉर्म करें, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी करेक्ट कीज की, उस वो 1-2^16 होगी। द रिजल्ट इज दैट अ नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक विल सक्सीड अगेंस्ट डबल डीएस विच हैज़ अ की साइज ऑफ 112 bits विद एन एफर्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ 2^56 विच इज़ नॉट मच मोर देन द 2^55 रिक्वायर्ड फॉर सिंगल डीएस। तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रिपल डीएस विद टू कीज। तो मीट इन द मिडल अटैक को काउंटर करने के लिए हम 3 stages यूज कर सकते हैं और जिसमें 3 different keys हो। तो इसमें जो अंडरलाइंग एल्गोरिदम होगा वो डीईएस ही होगा, और इस अप्रोच को रेफर किया जाता है एज 3DS और ट्रिपल डीएस, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो हमारे पास इसके 2 versions हैं ट्रिपल इंक्रिप्शन के अंदर, जिस तरह हम इसमें देख सकते हैं। वन यूजिंग 2 keys एंड वन यूजिंग 3 keys। तो ट्रिपल डीएस में हम 2 keys को भी यूज कर सकते हैं और 3 keys को भी यूज कर सकते हैं। तो जो NIST की SP800-67 रिकमेंडेशन है, इट डिफाइन्स द 2-key एंड 3-key वर्जन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 2-key वर्जन है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बाद 3-key वर्जन को हम डिस्कस करेंगे। 2-key ट्रिपल डीएस इज ऑप्शन 2, वेयर वी इनक्रिप्ट विद key 1, देन डीक्रिप्ट विद key 2, एंड फाइनली इनक्रिप्ट अगेन विद key 1। तो इसमें जो की स्पेस है वो 2 × 56 इज इक्वल टू 112 है, क्योंकि इसमें 2 कीज यूज होती हैं। जो 2-key ट्रिपल इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन है, ये सबसे पहले टच मैन ने प्रपोज की थी, और उसमें जो फंक्शन था उसमें एक इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट सीक्वेंस थी। पहले इनक्रिप्शन है, फिर डिक्रिप्शन है, एंड देन अगेन इनक्रिप्शन। लाइक वी हैव साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले हम इसको key 1 के जरिए प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेंगे, देन वी विल डिक्रिप्ट यूजिंग key 2, और देन अगेन दिस टेक्स्ट विल बी इनक्रिप्टेड यूजिंग key 1। और प्लेन टेक्स्ट के लिए जो है सबसे पहले key 1 के साथ साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाएगा, अगेन दिस टेक्स्ट विल बी इनक्रिप्टेड एंड अगेन डिक्रिप्टेड टू प्रोड्यूस प्लेन टेक्स्ट। देर इज नो क्रिप्टोग्राफिक सिग्निफिकेंस टू यूज ऑफ डिक्रिप्शन फॉर द सेकेंड स्टेज। इट्स ओनली एडवांटेज इज दैट इट अलाउज यूजेज ऑफ 3DS टू डिक्रिप्ट डेटा इनक्रिप्टेड बाई यूजर्स ऑफ ओल्डर सिंगल DS। तो जो सिंगल DS है उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास इसका एडवांटेज है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी एडवांटेज टू यूज डिक्रिप्शन फॉर द सेकेंड स्टेज। तो जो 3DS है जिसमें 2 कीज को यूज किया जाता है, वो एक पॉपुलर अल्टरनेटिव है 2DS, और इसको यूज किया जाता है की मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स में, और इसका जो स्टैंडर्ड नेम है NCX9.17 और ISO 8732 है।
तो अभी तक जो है 3DS के ऊपर कोई नॉन प्रैक्टिकल क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। कॉपर स्मिथ ने जो है वो बताया था कि जो 3DS के ऊपर अगर ब्रूट फोर्स की अटैक किया जाए और जो जिसमें जो ऑर्डर होगा वो 2^112 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5×10^33 है। और उसने एस्टिमेट बताया था कि जो इसमें कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कंपेयर टू सिंगल DS जिसमें दैट इज एक्सीडिंग 10^52। तो जो डिफरेंट प्रपोज अटैक्स हैं जो 3DS के ऊपर हो सकते हैं जो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं है, तो उससे हम देख सकते हैं कि कौन से अटैक जो हैं वो 3DS के ऊपर हो सकते हैं। तो और उन्हीं अटैक्स की बेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में कौन से सक्सेसफुल अटैक्स 3DS के ऊपर पॉसिबल हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रपोजल था वो मर्कल और हेलमैन ने प्रेजेंट किया। इनका प्लान था कि प्लेन टेक्स्ट जो है वो पहले से नोन हो और जिसके ज़रिए पहली जो इंटरमीडिएट वैल्यू ए है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फिर उसको यूज़ करके मीट इन द मिडल अटैक किया जाए ताकि जो रिमेनिंग टू कीज़ है उनको डिस्कवर किया जा सके। तो इसमें जो लेवल ऑफ एफर्ट है वो 2^56 है और इसमें जो टेक्निक रिक्वायर करती है कि 256 चोजन प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर्स विच इज़ अ नंबर अनलाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय द होल्डर ऑफ द कीज। तो ये इतना नॉन टेक्स्ट के जो पेयर्स हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। इस मेथड के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट है ओवर द चोजन प्लेन टेक्स्ट अप्रोच बट रिक्वायर्स मोर एफर्ट। द अटैक इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट इफ वी नो ए एंड सी देन द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू दैट ऑफ एन अटैक ऑन DS। तो अगर हमें ए और सी का पता हो तो फिर जो प्रॉब्लम है वो DS तक रिड्यूस हो सकती है। तो डेफिनेटली जो अटैकर है ना उसको ए का पता है, इवन अगर उसको पी और सी का पता भी है और उसमें जो दो कीज हैं वो अननोन है, तो उसमें जो अटैकर है वो पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए और फिर उसको ट्राई कर सकता है कि जो नॉन पी सी प्लेन साइफर पेयर है जो प्रोड्यूस करता है ए, तो उसमें जो अटैकर ये स्टेप ले सकता है इस पे अटैक करने के लिए। सबसे पहले इट विल ऑब्टेन एन प्लेन एंड साइफर टेक्स्ट जो टेक्स्ट पेयर्स हैं, दिस इज अ नॉन प्लेन टेक्स्ट, प्लेस दीज इन अ टेबल टेबल वन सॉर्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ पी। तो दिस इज द टेबल वन, टेबल ऑफ प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर सॉर्टेड ऑन पी। तो यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लिया जाता है। Pick an arbitrary value for A and create a second table. This is second table, table of intermediate values and candidate keys. Pick an arbitrary value A for A and create a second table with entries defined in the following fashion for each of the 2^56 possible keys. Key 1 is equal to I, calculate the plain text value such that PI is equal to DI, A. For each PI that matches an entry in table 1 creates an entry in table 2 consisting of the key 1 value and the value of P that is produced for the plain and ciphertext pair from table 1. If value of K1 B is equal to DIC. At the end of this step, sort table 2 on the values of P.
We now have several candidate values of key 1 in table 2 and can search for a value of key 2. For each of the 256 possible keys, key 2 is equal to J, calculate the second intermediate value for our chosen value of A. That is BJ is equal to DJA. At each step, look up BJ in table 2. If there is a match, then the corresponding key I from table 2 plus this value of J are candidate value for the unknown keys K1 and K2. Why? Because we have found a pair of keys IJ that produce a known pair. तो हमारे पास एक जो कीज़ का पेयर है उसके ज़रिए हम हमारे पास ऑलरेडी जो नॉन प्लेन टेक्स्ट है और साइफर टेक्स्ट है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं वी हैव डिस्कवर्ड द कीज़। टेस्ट ईच कैंडिडेट पेयर ऑफ कीज़ आई जी ऑन अ फ्यू अदर प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर्स। इफ अ पेयर ऑफ की प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड साइफर टेक्स्ट द टास्क इज कंप्लीट। If no pair succeed, repeat from step 1 with the new value of A. तो इस तरह हम उस पर वो कीज़ अप्लाई करके अगर दोबारा जो प्लेन या साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट वॉज डिसाइड, तो हम हमारा जो अटैक है दैट इज़ सक्सेसफुल। इफ नॉट सक्सेसफुल तो फिर दोबारा इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना होगा। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम किसी भी यूनिक वैल्यू ऑफ ए को सिलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 1/2^64। तो किसी भी गिवन एन पी सी पेयर्स के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है फॉर अ सिंगल सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज एन बाई 2^64। तो इसमें जो रनिंग टाइम होगा वो ये गिवन है, तो इतना रनिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा ट्रिपल डी एस वे टी डी टू कीज के ऊपर अप्लाई करने के लिए। मैनी रिसर्चर्स नाउ फील दैट 3-key DS इज द प्रेफर्ड अल्टरनेटिव। 3-key 3DS has an effective key length of 168 bits and is defined as like this equation: encryption of plain text with key 1 and decryption of this text with key 2 and again encryption of text with key 3. Backward compatibility with DS is provided by putting K3 is equal to K2 or K1 is equal to K2. तो अभी जो 3DS है बहुत सी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं लाइक PGP और S/MIME उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ब्लॉक साइफर्स को और इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो DS है वो कैसे वल्नरेबल है टू द अटैक और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ट्रिपल DS विथ 2-key और 3-key जो है वो हमने डिस्कस किया है। मीट इन द मिडल अटैक वॉज अ रीजन टू रिप्लेस DS और उसको रिप्लेस करने के बाद ट्रिपल DS को यूज़ किया है विद 2-key and 3-key। तो जो ट्रिपल DS है टू डेट अभी तक इस पर कोई नॉन अटैक जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ और अभी जो इसका अडॉप्शन है वो डिफरेंट इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर हो चुका है।